मान लेते हैं कि आपके अट्रैक्टिव थंबनेल को देखकर किसी ने वीडियो पे क्लिक कर दिया। वीडियो क्लिक करने के बाद उसको कुछ ऐसा आवाज सुनने को मिलता है, हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो क्या आप ही बताइए वो वीडियो को देखेगा? नहीं। मैंने पिछला वीडियो अपलोड किया था फेक यूट्यूबर के ऊपर, उसमें कई सारे कमेंट्स आए कि आप वॉइस एडिटिंग कैसे करते हो भाई, एक वीडियो बना दो। तो गाइज इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अच्छी क्वालिटी का वीडियो एडिटिंग कैसे कर पाएंगे। तो गाइज बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखें। मैं बहुत ही शॉर्टकट में क्लियर वॉइस ओवर करना सिखाऊंगा। सबसे पहला गाइज कुछ चीजों को ध्यान में रखें। जिस रूम में आप वॉइस रिकॉर्डिंग करते हैं वहाँ पर कोई इको नहीं आना चाहिए। अगर इको आ रहा है तो वहाँ पर आप बहुत सारा कपड़ा भर सकते हैं या फिर आप आलतू फालतू सामान को रख सकते हैं। और आप ऐसे समय में वॉइस रिकॉर्डिंग करें जब बाहर से ज्यादा नॉइज ना आ रहा हो। सबसे बेस्ट है सुबह या फिर शाम को। और जब आप वॉइस रिकॉर्डिंग करने बैठे तो एक पानी का बोतल लेके बैठे और उसको थोड़ा थोड़ा पीना है ताकि आपके आवाज में कोई इफेक्ट ना पड़े। उसके बाद गाइज आपको एक माइक की जरूरत पड़ेगी। तो गाइज मैं यूज करता हूँ बोया बाय M1 माइक जो मैंने 500 रुपया में लिया था। लेकिन अगर आपके पास माइक नहीं है तो आप ईयरफोन से रिकॉर्ड कर सकते हैं, अदरवाइज आप मोबाइल से रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन मोबाइल को मुंह के करीब ला करके करना है। और वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए आपको कोई ऐप की जरूरत नहीं पड़ेगी बल्कि आपका फोन में जो है रिकॉर्डर ऐप है उसी का इस्तेमाल करें। सबसे पहले गाइस वॉइस को रिकॉर्ड करके उसको सेव कर लेना है। फिर आपको लेक्सर ऑडियो एडिटर ऐप को ओपन कर लेना है। इसके बाद ऊपर में ओपन वाला ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करके आपको वॉइस को ले लेना है। उसके बाद आपने जहाँ जहाँ गलत बोला है उसको कट कर लेना है। अब चलते हैं एडिटिंग की ओर। तो आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है और इफेक्ट में आना। इफेक्ट में आने के बाद यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले जाना है नॉइस रिडक्शन वाला ऑप्शन में। जैसे आप नॉइस रिडक्शन वाला ऑप्शन में जाएंगे, आने के बाद आपको रेट को हाई कर देना है, बिल्कुल रेट को हाई कर देना। उसके बाद अटैक और रिलीज को बिल्कुल मतलब जीरो कर देना। करने के बाद थ्रेशोल्ड को -50 या 50 रखना है। कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं आप, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऐसा करने के बाद आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। अप्लाई पे जैसे क्लिक करेंगे आपका अप्लाई हो जाएगा। फिर आपको 3 डॉट पे आना, इफेक्ट में आना और नीचे आने के बाद आपको इक्वलाइजर एम्पलीफायर का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक कर देना। इस पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। इसको आप अपने वॉइस के अकॉर्डिंग सेटिंग कर सकते हैं, यानी कि इस साइड वाला जो है ये बेस है और इस साइड वाला जो है ट्रेवल है। तो अगर आपको बेस पसंद हो तो आपको इधर वाला हाई कर देना है। तो मैं बेस को एकदम 0 रहने दूंगा और मुझे ट्रेवल पसंद है तो इसलिए मैं ट्रेवल को हाई रखूंगा और बाकी सब कुछ मैं 0 में रखूंगा। ठीक है, आप अपने वॉइस अकॉर्डिंग कर ले या फिर ऐसे ही आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। इसके बाद गाइस आपको 3 डॉट पे जाना, इफेक्ट में जाना और उसके बाद आपको नीचे में चलाना है। नीचे में लिखा होगा कन्वर्ट स्टीरियो मोनो, इस पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इस प्रकार दिख रहा होगा। तो आपको क्या करना है, कन्वर्ट मोनो टू स्टीरियो, इस पे क्लिक करके आपको अप्लाई कर देना है। अप्लाई कर देंगे उसके बाद आपको आगे पीछे दोनों का आवाज एकदम अच्छा हो जाएगा। इसके बाद गाइस आपको 3 डॉट पे क्लिक करके आपको नॉर्मलाइज को कर देना है, जिससे आपका वॉइस एकदम नॉर्मल दिखने लगे, ज्यादा एडिटिंग ना लगे। तो गाइस आपका वॉइस एडिटिंग हो चुका है, आप इसको सेव कर सकते। सेव करने के लिए आपको शेप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, उसके बाद आपको अपना फोल्डर का नाम लिख देना है, उसके बाद आपको शेप पे क्लिक करना, आपका ऑडियो शेप हो जाएगा। तो गाइस आप इस प्रकार से वॉइस रिकॉर्डिंग करके आप अच्छा क्लियर वॉइस रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। और गाइस अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए शुक्रिया।